अभी हुए हैं 5:18 एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग। अभी सबसे पहले फ्यूल चेक करेंगे और उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करेंगे। सो लेट्स जस्ट गो। तो दोस्तों अभी हमने जो राइड है वो शुरू कर दिया है फ्रॉम अहमदाबाद टू अंबाजी और ये तकरीबन 3 घंटे का राइड है अगर आप विजापुर वाला हाईवे लेते हो और अगर आप पालनपुर वाला लोगे या मेहसाना वाला लोगे तो वो आपको आई थिंक पड़ जाएगा अराउंड अराउंड 4-4.5 घंटे तक का राइड। हमने इस बार जो राइड लिया है वो है विजापुर वाला और सबसे पहले हम जो स्टॉप लेंगे वो आई थिंक विजापुर के बाद जब हिम्मतनगर आएगा तभी हम स्टॉप लेंगे। तो आपने ये जर्नी को एंजॉय किया ही होगा। अभी यहाँ पे कुछ इतना ज़बरदस्त दिखाने के लिए नहीं है लेकिन लेट्स जस्ट मीट एट हिम्मतनगर एंड वहाँ पे आपको कुछ अलग सा दिखाने की कोशिश करते हैं। सो टाइम हुआ है 7:53 एंड हम आ गए हैं एक लोकेशन पे जो हिम्मतनगर और इडर के बीच में है। जो होटल है उसका नाम है आशीष और ये जो पूरा नो गार्डन है वहाँ पे अभी फैमिली के साथ नाश्ता किया जाएगा क्योंकि ब्रेकफास्ट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो आगे अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपको मैं पूरा होटल का व्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये पूरा जो होटल है और यहाँ तो पूरा होटल का व्यू मिलेगा। जब हिम्मतनगर से होते हुए अंबाजी जाते हैं तो आप यहाँ पे एक गढ़ देखते हैं जो एक फुट हिल देखते हैं जिसका नाम है इडर योगगढ़ एंड इसका बहुत लंबा सा इतिहास रहा है। अभी हमारे पास तो उतना टाइम नहीं था कि हम आपको वहाँ अंदर जाके दिखा सके लेकिन आप जो अभी नज़ारा देख रहे हो वो है पूरा इडर के गढ़ का। और वहाँ से आप पूरा ये ड्रोन शॉट भी देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा आजू बाजू का जो हिल्स देख रहे हैं आपको वो है अरावली के हिल्स और ये अरावली के हिल्स के बीचों बीच जो एक शक्ति पीठ है वही गब्बर है और वही अंबाजी माता का मंदिर वहाँ पे स्थापित।
अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं अंबाजी। आप वेलकम टू अंबाजी का गुजरात टूरिज्म का बोर्ड देख सकते हो, ये है गेट और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और जो माता जी के जो दर्शन है वो करेंगे, मन्नत को पूरी करेंगे और खाना वाना खाएंगे और आपको इतने मस्त वाले शॉट्स दिखाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो फ्रॉम अहमदाबाद तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपको विजयपुर वाला जो हाईवे है वो ले लो, क्योंकि वो एकदम अच्छा है और बहुत ही मतलब एकदम इजी वाला रास्ता है और कम्प्लीटली 4 लेन का जो हाईवे है वो आपको मिलेगा। आप आराम से मतलब गाड़ी को राइड करके आ सकते हो। हमने बहुत सारे स्टॉप लिए तो लाइक वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट टाइमिंग बिकॉज 5:30 बजे से निकले, लेकिन हाँ हमने खाना खाने के लिए भी रुके थे तो टाइमिंग का कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप आराम से ड्राइव करके यहाँ पे आ सकते हो। और अभी देखते हैं मंदिर में जाके भीड़ है नहीं है, क्या है क्या नहीं, फिर आपको अपडेट करके मुझे आना। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के साइड पर और आप देख सकते हो यहाँ पे ये अंबाजी है और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम जा रहे गाड़ो और प्लूटो को हमने वहाँ रेस्टोरेंट के साइड पे ही बांध दिया। तो लेट जस्ट गो एंड देखते हैं अगर कैमरा अलाउड होता है नहीं होता है, मेरे को लगता है नहीं होगा पर लेट जस्ट ट्राई। सो फाइनली अभी दर्शन हो चुके हैं और अभी अंदर का वीडियो तो नहीं ले पाए, लेकिन वी आर जस्ट नो वेयरिंग द शूज़ और आप लोगों को मिलते हैं गब्बर पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फोटोज और वो सब निकलने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी कि कैसा पूरा अच्छे तरीके से रहता है।